हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे मंटू बबीता चैनल में। तो आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आज आ रहे हैं, तो आप लोगों को हम ब्लॉगिंग के जरिए दिखाते रहेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आई हैं एक स्पेशल भाभी जी, जिनसे हम पहली बार मुलाकात किए हैं, क्योंकि गोदभराई में भाभी नहीं आ पाई थी। लगभग गोदभराई के 15 दिन बाद आई हुई थी, तब हम उनसे नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हम गोदभराई के 10 दिन बाद हम चले गए थे कन्हैया भैया के यहाँ से। तो अभी चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं और मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर भैया जी आ गए हैं और हम भी आ गए हैं ना। हाँ। आप ही लोग से मिलने आए हैं हम, इतना ज्यादा दूर से। हाँ, इतने दूरी से समझिए परसों हम यहाँ से गए हैं, है ना। और समझिए इतना लंबा कन्हैया भैया ऐसे से बोलने लगे कि अब आना पड़ गया। समझे हम कन्हैया भैया बोले थे कि हम आएंगे फिर कभी, तो बोले अच्छा मेरे बारे में तो ऐसे ही होता है आपके साथ, है ना। इस बार नहीं आइए तो भाईचारा ही खत्म। तो हम बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, बस तुरंत गाड़ी निकाले और चल दिए। समझिए ज्यादा, समझिए 6 निकले हैं तो यहाँ 12-1 रात में गोरखपुर पहुँचे हैं, फिर वहाँ होटल लिए हैं, आराम से रहे, फिर मॉर्निंग उठ के आए, है ना। तो ठंडी का इतना सामना करते हुए। दरअसल बात ये भी है कि कन्हैया भैया बहुत बार हमको बुलाया और आ ही नहीं पाते थे, हम आ ही नहीं पाते थे। हाँ, कारण ये तो है। इस बार लेकिन हम सोचे नहीं, गोदभराई में भी आप नहीं आ पाए थे, जो बात है। तो इस बार आए हैं, है ना। तो आप लोग इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए, सपोर्ट करिए, आप लोग बने रहिए, आगे दिखाएंगे, है ना। तो भैया बहुत मेहनत आये गोदभराई में, भैया नहीं आए थे तो मिल नहीं पाए थे हम लोग, क्योंकि हम गोदभराई के लगभग 1 बाद तक थे। हाँ, और भैया हाँ, उसके बाद आए थे। हाँ, आए थे तो इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाई थी। और जो है तो भैया मिले होते तो जैसे वीडियो में देखते हैं अच्छे हैं, वैसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो आप लोग चलिए, नहीं हम हमेशा एक ही चीज करते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान हो किसी से 2 हंस बोल लेने से कुछ नहीं होता, है ना। और एक चीज और है, हमारे वीडियो के माध्यम से हमेशा लोग को बताते हैं, कोई भी अगर यूट्यूबर आज के दौर पे 1 सब्सक्राइबर होने के बाद उनके अंदर घमंड आ जाता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज कभी भी अपने आप में नहीं रखना चाहिए। आप जो चीज सीख के आए हैं, आप नीचे स्तर जो भी है, नीचे सब्सक्राइबर है, उनको सिखाइए, उससे होगा क्या कि वो फिर दूसरे को सिखाएंगे, है ना। ये बहुत अच्छा भैया जी बोले, सही बात। लेकिन आजकल जब 1 सब्सक्राइबर, वाह हम उनसे मिलेंगे, कभी नहीं। हाँ। ऐसा होता है, वो छोटे क्रिएटर ऐसा नहीं। हाँ। हम लोग ऐसे है कि अभी आपका 10,000 सब्सक्राइबर है तो मेरा भी 10,000 है, अगर आपका 10 है तो मेरा 10 बस इस ढंग से और ये चीज अच्छा लगता है ना। चलिए बने रहिए। तो देखिए भाभी इतने दूरी से आई हुई हैं और एकदम बढ़िया तैयार यार होकर के हम लोग तो ऐसे जैसे तैसे बने हुए हैं। सबसे फ्रेश भाभी दिख रही है, देख लीजिए आप लोग। तो हाय आप लोग कैसे हैं, आप सभी को स्वागत है इनके ब्लॉग्स में। और आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सब लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को नए नए बड़े बड़े यूट्यूबरों से हम मुलाकात करवाते रहेंगे और वो लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, सब हम आप लोगों को ब्लॉगिंग के जरिए बताते रहेंगे। बस आप लोग हमारे ब्लॉग को और शॉर्ट्स को वॉच करते रहिए, आप लोगों को नए नए अपडेट्स यूं ही देते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिला दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए।